सताने लगा है। उसी के चलते पहले से ही सतर्कता बढ़ती जा रही है और इंदौर में सैंपलिंग की संख्या तेज कर दी गई है। रोजाना 150 से 200 सैंपलिंग की जा रही है। बात की जाए इंदौर शहर की तो शहर में अभी तक 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंदौर शहर 2 बार कोरोना का गढ़ बन चुका था। अगर कोरोना वापस आता है तो इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं, जिसके चलते लोगों को मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर रहने की अपील की जा रही है। साथ ही प्रिकॉशन डोज के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोविड के हमारे पास केसेस कल भी जो देखे थे उसको बुलेटिन एक भी केसेस पॉजिटिव नहीं आया और अभी तक एक्टिव केसेस है हमारे 3 के एक्टिव केसेस हैं। सर ओमिक्रॉन की बात की जाए तो उसके भी सैंपल्स के लिए भेजा गया है। जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं जितने सभी तक केसेस आ रहे हैं ऑलरेडी उनका सारे केसेस का जीनोम सीक्वेंस करवा रहे हैं। सर अगर रोजाना की बात की जाए तो रोजाना कितने सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है और कितने सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं? 100-150 सैंपल्स डेली जा रहे हैं। सर क्या स्थिति है आगे की, क्योंकि और ये जो केसेस आए हैं वो कहाँ से आए हैं? केसेस यहीं के कुछ एक आध जो बाहर से रहते हैं उन लोगों को होम आइसोलेशन, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है मगर बाहर से कहीं आते हैं तो उन लोगों का जांच करवाने के बाद उनको अगर वो लगता है क्या तो उनको होम आइसोलेशन कर दिया गया है।